美味しい。じゃあ、しべと。काफ़ी बड़ा हो गई है ये जो मेरा बिल्ली है। मैंने आप सभी को पहले वाली जब ब्लॉगिंग में अर्लियर की जो ब्लॉगिंग है मैंने आप सभी को उसमें भी दिखाई थी, उसमें ये काफ़ी छोटा था इतना ही। जिस फाइनली मेरा जो बस है वो वहाँ पे आ रही है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। स्कूटी को यहीं पे रख कर जाना होगा मुझे, यहाँ पे कहीं पे दुकान पे चाबी जो स्कूटी की चाबी है उसे मुझे रख देना होगा। सर हाँ ये लिया था ना लास्ट कौन था जी यार, तो ये स्कूटी का हैंडल को मुझे लॉक करना होगा। इसे मुझे लॉक करके दाइको को भी लेकर जाता हूँ। ये चाबी को ना आप थोड़ा रख दीजिए, आप दुकान यही में बैठेगा तो ना थोड़ा बाद में मेरा कोई घर से आके ले जाएगा चाबी को। स्कूटी भी उधर ही रखा है तो हम बता देगा ना आपका इधर में रखा है बोल के। हाँ। सब करके बता देगा क्या क्या नाम है आपका, बाद में बता देगा उसका दुकान में रखा है। अनक बाट है ग्रुप को बोल के। 19 नंबर कौन सा बोला है, कौन सा वाला? ओ ये सीट पोल बेन नहीं होता है यार, कैसे सोएगा रात को तो। ऐसी कैसे भी काली है कहीं भी सो ना बाद में देख लेता। जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी अभी मैंने पूछा कि यहाँ का जो बस का सीट है वो बेन होता है कि नहीं, उन लोगों ने यहाँ के कंडक्टर ने बताया कि सीट यूँ ही स्टैंड रहता है, बेन नहीं होता है करके, बेन नहीं होता है करके। और रात को तो पटने वाली है, ऐसा करके सोएंगे रात को तो ऐसा करा करा नहीं जा सकते बिकॉज नाइट सफ़र है। फिर भी देखते हैं जो होगा होगा, लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये रहे हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस है, पुराना कंडीशन, विंडो का प्रोविज़न नहीं देते हुए फ्लाईबोर्ड का प्रोविज़न देकर रखा हुआ है, काफ़ी यूनिक सा। सो है गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मैं हूं क्यूनिसो की और आप देख रहे हैं मस्ती ब्लॉग्स। सो आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार से रहेगा, मैं दापोरी जो तू ईटानगर जो नाइट सफ़र कर रहा हूँ यानी कि नाइट जर्नी, पहली बार मैं नाइट जर्नी का ब्लॉगिंग बना रहा हूँ आप सभी के लिए। एंड फिलहाल यहाँ से हम लोग अभी निकले हैं 12 बजे, अभी 12 बज चुके हैं, 12 बजे निकलेंगे और कल सुबह अगर बस ठीक चला तो, मेरा कहने का मतलब है अगर बस ख़राब नहीं हुआ आधे रास्ते में तो हम लोग सुबह ही पहुँच जाएंगे ईटानगर में। ईटानगर में करीब करीब हम लोग 5 बजे या फिर सुबह के जो 6 बजे के अराउंड तक पहुँच जाएंगे, सब पहुँचेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं वहाँ से फिर कल शाम को गुवाहाटी की ओर निकलूँगा। यहाँ पे शुरुआत होता हुआ हमारा जर्नी वहाँ पे सुबनसिरी रिवर एजुकेसी। सो नाउ वी आर रीच हेयर एट पाडरपाट, यहाँ पे हम लोगों की जो बस है वो रुकी हुई है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे है होटल पाडरपाट। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट वगैरह करने के बाद यहाँ से फिर निकलेंगे सीधा जीरो की ओर, जीरो से फिर निकलेंगे ईटानगर की ओर। कैसा है भाई साहब, ठीक है ना? कहाँ जाओगे आप? मंदिर जाएगा जाओगे? ओ हियर इज द होटल, अंदर का नज़ारा क्या क्या मिलेगा रे भाई साहब खाने को? रोटी परोठा मिलेगा और कुछ खाना मिलेगा। हाँ। खाना कितना बोलते मेरा मिस होने से 150 खाना तो आगे भी वो रागा में कहेगा ना ऐसे ना या मैगी से भी पाओ। मैगी से की है क्या? अंडा उंडा ऑमलेट उमलेट होगा बना दीजिए ना। क्या बना देगा? हाँ ऑमलेट बना दो। सो यहाँ पे है मेरा ऑमलेट, यहाँ पे पराठा, लेकिन ये मैंने खुद के लिए नहीं मंगाई है। सब्जी नहीं देगा? मैं नहीं, हम इसके लिए मंगाए हैं, ले जाना। पराठा
इसका नया नया डिलीवरी हुआ है ना, नया नया बच्चा पला है, माया लगता है, कभी कभी इन लोगों को खिलाना चाहिए ना। सो फाइनली हम लोगों का यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए थे, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे जीरो की ओर, रागा की ओर, उसके बाद सीधे ईटानगर। सो अभी जो हम लोगों की बस है वो यहाँ पे रुकी हुई है रागा पे, जो कि कमला डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है। अभी यहाँ के जो कंडक्टर कह रही है कि हम लोगों को यहीं से जो डिनर वगैरह को यहीं से करके जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन होटल है। बताया गया कि जीरो में तो खाना मिलेगा नहीं इतना रात में, इतना देर रात में, तो यहाँ पे सब कुछ खाकर जाना पड़ेगा जो भी खाना वगैरह। तो अभी खाने का वक्त तो नहीं हुआ, अभी बस 6 बजे है, 6 बजे हमें डिनर करना पड़ रही है। सो फिर भी एडजस्टेबल हर जगह पे चलता है, सो हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कुछ ना तो कुछ है ही। क्या हो गया तेरा मम काटा निकाल दो यार, हमें आग जला रहना है, इतना तंदा है यार। खाना क्या 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 सब्जी मिलेगा? मुर्गी मिलेगा, मछली मिलेगा। प्लेन में नहीं होगा? प्लेन में होगा। प्लेन में दीजिए, टोकन ले लीजिए उधर, टोकन लेना पड़ेगा। हाँ। प्लेन में भी है? हाँ। अरे यार टोकन गायब हो गया, तो डाला था यार पॉकेट में। मीट का के बोर हो गया, रात होने से खाना था, अभी खाना खाने का समय भी नहीं है। हाँ हाँ सलाद तरह से दीजिए, सलाद है। फाइनली हम लोगों का डिनर तो हो गया, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे ईटानगर की ओर। पहले हमें क्रॉस करना होगा जीरो, उसके बाद निकलेंगे सीधा ईटानगर। बस दुआ यही रहेगा कि गाड़ी को कुछ ना हो, सही सलामत पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए ईटानगर तक। खा लिया। ठीक है, सोने जगह ढूंढना पड़ेगा लग रहा है। भैया कितना बजे पहुंचेगा ईटानगर तक? 4 बजे 5 बजे। हाँ ईटानगर पहुंचा देते हैं ना डायरेक्ट, मैं नाला गांव तक। वहाँ से क्या ऑटो पकड़ना पड़ेगा? हाँ वगैरह मिलेगा, मिल जाएगा ना? हाँ पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अरे मेरा सीट को रिजर्व कर लिया क्या? अरे चार नहीं, हम सोएगा सोच के, हुआ मैं सोने जगह नहीं बोला था, हम तो इधर सोना पड़ेगा, सोने सोना। ये गमेन भी ना एक फैसिलिटी देना है ना, तो बैन करने वाला वही था बैन होने से अच्छा है, सो सकते हैं सिंगल सीट में। सो नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम रागा, हम लोग अभी यहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे, काफ़ी ठंड है, ठंडा दिन का रात है, ठंड तो लगेंगे। मेरा सीट वहाँ था लेकिन मुझे यहाँ पे सोना पड़ेगा, बिस्तर तो बनाना पड़ेगा यार। यार गवर्नमेंट वाले अगर कोई देख रहे हैं तो एटलीस्ट दापोरी जो तू जो ईटानगर का बस है, PST बस है, उसमें एटलीस्ट सीट बैंड होने का जो फैसिलिटी तो देना चाहिए था, बिकॉज जो पैसेंजर्स जाएंगे तो बिना सोकर किसे जाएंगे? दिन होने से भी बात अलग रहता है, लेकिन रात का जो मामला है आप बैठे बैठे कभी नहीं जा पाओगे। आप सभी ये मत सोचेगा कि इतना अंधेरा क्यों है, ऐसे मैं बता दूँ ये जो बस की जो लाइट है उसे ऑफ कर दी गई है। यहाँ पे खिड़की से जो आप सभी को थोड़ी थोड़ी लाइट नज़र आ रहा होगा चमकता हुआ सितारे की तरह। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं किमिन, नॉट किमिन आई मीन तमिन। ड्यू टू यहाँ का जो ब्रिज है वो कोलैप्स होते रहता है, दैट्स व्हाई ज़्यादा वजन की जो चीज़ें ज़्यादा वजन की जो गाड़ियाँ है उसे अलाउ नहीं किया जाता। सो हम लोगों को यहाँ से
यू ही नाम कर बाईपुट जाना होगा, बाईपुट इस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। ये देखिए, अगर किसी ने आज तक, किसी ने अभी तक जो कमले रिवर कमले रिवर का जो थामेन ब्रिज है, इस ब्रिज का जो रात के नज़ारे है उसे अगर नहीं देखा तो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है जो नाइट का व्यू है। को क्या हो गया यार, ब्रिज गिर भी सकता है, थोड़ा जल्दी जाना। एंड यहाँ से जो ठंडी तंदी रोमांटिक हवाएं मार रही है, वह क्या बात है, आंधी तंदी रोमांटिक हवाएं ले जाए जाने का, हवाए हवाए ले जाए जाने का, ना मुझको खबर ना तुझको पता। यार ये लाइट तो सीधा आँख पे पड़ रही है। थैंक यू सो मच दिखाने के लिए। यहाँ पे है जो ब्रिज का व्यू। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल रात को अच्छे से नींद नहीं आया, रास्ता बहुत ही खराब होने के कारण उसमें यहीं पे सोकर गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए, तो मेरा सीट जो है वो यहाँ पे था, लेकिन मुझे सोना पड़ा यहाँ पे। सो फाइनली वी आर रीच्ड नाहरलगुन। हम लोग पहुँचे हैं नाहरलगुन में। यहाँ में सब्जी उब्जी कुछ है लग। आप लोग अभी कहाँ जाएगा? वापस जाएगा। हमको अभी कहाँ से गाड़ी उड़ी मिलेगा? मिलेगा तो कहाँ भी मिलेगा। यहाँ पे है नाहरलगुन का जो सुबह सुबह के नज़ारे है, नाहरलगुन के डेली मार्केट का सुबह सुबह के नज़ारे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी इतना जाऊँ तो जाऊँ, कैसे जाऊँ, इतना रात में कहाँ से, इतना देर गए सुबह सुबह कहाँ से मुझे इतना जाने की गाड़ियाँ मिल सकती है। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद मुझे एक ट्रैकर मिल चुका है जो कि ईटानगर की ओर जाएगा। सो एटलीस्ट मिला तो सही, इतना सुबह वैसे मिलता कहाँ है। अभी यू नो 4:30 बजे है गाइस, सिर्फ वो भी सुबह के। देखिए कितना अंधेरा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तोमोरिवा हॉस्पिटल है, ट्रिम्स। सो है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ईटानगर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आकाशदीप में। ये रहे ईटानगर का जो आकाशदीप है, एंड यहां पे डी मार्ट जो कि अभी तक बंद पड़ी हुई है। एंड मेरा आज का ब्लॉगिंग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। इस ब्लॉगिंग को मेरा बनाने का मकसद यही था कि मैं आप सभी को जो बस ट्रेवलिंग की यानी कि नाइट सफ़र का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। यू नो लाइक आप सभी को तो सजेस्ट करूँगा, आप सभी को अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप APSTC से ही जाया कीजिए, स्पेशली दापोरिजो टू ईटानगर की जो सुमो टिकट है वो आपको 1400 रुपये में मिलेगा। और उसके बाद जो बस टिकट है APSTC यानी कि APSTC वो आपको 800 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगा। जो नाइट सफ़र में अगर आप तंदा दिन को ट्रेवलिंग कर रहे हो नाइट सफ़र से, तो आप एक सोल जैसा या फिर कंबल जैसा कुछ ढकने के लिए ज़रूर ले जाइए, वरना आपको काफ़ी दिक्कत होगा। जैसा मुझे रात को हुआ था, काफ़ी ठंड पड़ेगा और आपको ढकने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगा, आपको बीमार भी पड़ सकता है, जैसा इस वक्त मेरा हालत हुआ है। सो मैं शाम को ईटानगर से गुवाहाटी की ओर जाऊँगा। गुवाहाटी पर मुझे अपना कुछ पर्सनल काम निपटाना है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ईटानगर तो जो गुवाहाटी की जो जर्नी है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये भी मैं नाइट सफारी करने वाला हूँ। शाम का 6 बजे का मेरा बस है। सो मिलते रहेंगे आगे इसी प्रकार की ब्लॉगिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।